स्पॉन्सर्ड बाय गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। देख रहे हैं कैपिटल न्यूज, बातें विधानसभा की, बातें विधानसभा महासंग्राम 2019 की। डाल्टनगंज विधानसभा में विजन करते करते नजर आते हैं कई नाम, तो एक नाम तो खास बनता जा रहा है, नाम है संजय सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार थे भाजपा खेमे के, लेकिन आज भाजपा से इतर और बड़े हमलावर मूड में हैं। हमारा कहना है कि जो जनता जिस आशा और विश्वास से किसी भी एक जनप्रतिनिधि को चुनता है, तो हम जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि वह आशा और विश्वास हम बनाए रखें, और अगर वह आशा और विश्वास पर हम खरे ना उतरें तो मैं आपको आज ही बताता हूँ कि अगर मैं जनता का विश्वास पर खरा नहीं उतरूँगा तो मैं फिर पुनः कभी 5 साल बाद जो है कदापि हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे। यह मेरा दायित्व बनता है। यह केवल व्यवसाय नहीं है राजनीति, राजनीति एक सेवा है, राजनीति एक लोगों का विकास करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ तो लोग व्यवसाय समझ के आ जाते हैं कि मैं गया और राजनीति करके कि भैया टुअरा है, गरीब का बेटा है और ये सब करके और हम वोट ले लिया, पता चला कि 5 साल जो है अपना गरीब का बेटा अमीर का बेटा बनने के चक्कर में लग गया, और 5 साल बीत गया, इसके बाद जो है पुनः फिर उन लोगों के बीच में आ रहे हैं कि अब की बार हमारे देखब ना, तो ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। जनता जागरूक है, जनता जान चुकी है और यह लोगों को पता हो चुका है कि अब ऐसा जो है इस भेदभाव में और या इस तरह का लुभावन में नहीं जनता आपके पक्ष में आने वाला है। जिला परिषद सदस्य रहे हैं, ऐसा क्या जरूरत आना पड़ा कि नहीं आपको विधानसभा लगा कि हाँ विधायक मुझे बनना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से जिला परिषद का मैं सदस्य और जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी हूँ, मैं आपको बताऊँ, लेकिन यह दोहरी नीति, सरकार की दोहरी नीति, हम लोगों ने 4 साल बिता दिया, 1 लाख नया पैसा विकास फंड में हम लोगों को जिला परिषद को और पंचायत समिति सदस्य को यह सरकार जो है नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि दोहरी नीति अपनाई है कि और इसमें भी जो ग्राम पंचायत प्रधान मुखिया जी लोगों का जो पैसा मिल रही है, राशि मिल रही है, वो भी केंद्र सरकार का 14वें वित्त की राशि है, ना कि झारखंड सरकार की राशि है। झारखंड सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 1 लाख नया पैसा नहीं किया है, ये तो लोगों को केवल मन लुभावन वाला या लोक लुभावन हम कह सकते हैं कि अपना कह रहा है कि भाई हम भी उसमें राशि दे रहे हैं, लेकिन आप उठा करके इसका देख लीजिए कि 14वें वित्त की राशि केवल जो है माननीय मुखिया जी के पास आ रहा है, और 2 त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव हुई थी जिसमें जिला परिषद का और पंचायत समिति सदस्य का, जिसका उनका 1 लाख नया पैसा विकास फंड का जो है निधि नहीं दिया गया, ये दुर्भाग्य है। मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब अगर किसी राज्य का गठन होता है उसी के साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और साथ ही के साथ उसका रिपोर्ट होना चाहिए। हम कहते हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अरे पूर्ण बहुमत की सरकार है जो यह 14 साल में नहीं हुआ था, आपने क्यों नहीं किया? स्टेट फाइनेंस कमीशन को आप एक्टिव करना चाहिए था, आपको गठन करके और उससे कार्य करवाना चाहिए था, ताकि जो आज हमारे यहाँ विकास के जो हम बात करते हैं जो नहीं हो पा रही है, और इस तरह से जो चुनाव आपने करवाया 2015 में, अभी अगर आप राशि दिए होते तो निश्चित रूप से आज विकास का खाका एक अलग ऊपर होता। संजय जी, अब कैमरा को छोड़िए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बातें साफ जी, आपको तब बातें याद आ रही है जब टिकट नहीं मिलने पर, तो क्यों ना माना जाए कि आपकी महत्वाकांक्षा ही इतनी बोल रही है। शायद आपको आशुतोष जी नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं कि आज के 2 साल पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी में जरूर था, लेकिन सरकार के ऊपर हम लोगों ने उच्च न्यायालय में हम लोगों ने केस करने का काम किया था, प्राथमिकी दर्ज कराने का कार्य किया था इसी सरकार पे, कि यह दोहरी नीति जो है भेदभाव की नीति इन्होंने कर रहा है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा अधिकार है वो नहीं दे रहे हैं। आज भी वह जो है उच्च न्यायालय में हमारा प्राथमिकी जो है केस जो है चल रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं उस समय नहीं बोल रहा था, मैं उस समय भी मैं बोलता था कि स्थानीय विधायक का कोई भी अपना विकास कार्य नहीं है। हाँ, मैं यह जरूर बोल सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जो ने कार्य किया, जो प्रधानमंत्री आवास हो या हम शौचालय की बात करें, अगर माननीय विधायक कहें कि हम 370 धारा, तो यहां 370 धारा में क्या आलोक चौरसिया जी माननीय विधायक यहां के गए थे क्या? हमारे रघुवर चचा गए थे क्या? या केवल इन लोग का ढिंढोरा जो पीटते हैं, दूसरे के कार्यों को ढिंढोरा पीटते हैं, शौचालय निर्माण की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भी जगह जगह पर घूम करके आए होंगे, क्या आलोक चौरसिया जी अपना निधि से दिए हैं क्या? आप पूरे, हम आपको बता दूं कि सदभरवा ऐसा मुख्य बोल सकते हैं कि बाजार है, वहाँ पे लगभग 50,000 लोगों का पॉपुलेशन है, बाजार में एक शौचालय नहीं है। हम जिला परिषद से एक शौचालय का निर्माण वहाँ कराने का कार्य कर रहा हूँ कि सामुदायिक शौचालय वहाँ होना चाहिए, कि वह बाजार है और वहाँ से लोगों को आने जाने वाले को सुविधा मिले। हमको शर्म लगता है कि हमारा अपना विधायक बोलने में, लेकिन क्या करेंगे, मजबूर हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना था और बड़ी आशा और विश्वास के साथ उनको चुना था, लेकिन उन्होंने आज तक जो जनता का कार्य होना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विरोध
के लिए ये भी तो हो सकता है कि जो उनका विरोधी है उसको समर्थन दे देते, आपको मैदान में उतरना पड़ा, क्यों? बाकी तमाम जो भी हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे JVM के हैं, चाहे निर्दलीय हैं, बसपा के हैं, क्या नहीं लगता है कि वो लायक नहीं थे? आपको आपको खुद लगता होगा, 5 साल यह देख लिए, और उसके पूर्व में भी 5 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि क्या, जब कुछ लोग बन जाते हैं, जब दायित्व मिल जाता है तो वो लोगों को पहचानना भी भूल जाते हैं। आप लोग खुद घूम रहे हैं, मैं किसी का शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं की जनप्रतिनिधि और लोगों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। घर में जाता है लोग और 4-4 घंटा 5-5 घंटा बैठा रह जाता है, और जो गाँव के गरीब किसान मजदूर आता है और एक आशा और विश्वास कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने जनप्रतिनिधि माननीय विधायक से मिलने के लिए, और वो दरवाजे पे बैठे बैठे निराश होकर के, और लास्ट में उसका हाथ में जो है निराशा लगता है और वापस घर जाना पड़ता है। आपसे कोई छुपा अछूता नहीं है, आप लोग सब चीज़ जानते हैं। मैं इसीलिए आप बोले कि मेरा आप दूसरे लोगों को क्यों नहीं समर्थन किए, अगर दूसरे लोग उस लायक होते तो निश्चित रूप से मैं समर्थन करता। मैं आपको याद होगा 2011 से मैं लगातार निरंतर मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं लोगों को बीच में हमसे जो भी बना, चाहे वो कंबल हो, चाहे मच्छरदानी हो, चाहे गरीब के बेटी का, और उसके बाद भाजपा का झंडा लेकर भी नहीं, भाजपा का झंडा मैं उस समय नहीं लिया। भाजपा का झंडा हमने इसलिए लिया कि एक नीति और एक रीति और एक इस पे विश्वास पे हमने लिया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस तरह का जो है लोगों में भेदभाव है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 73% जो सर्वे में इंटरनल सर्वे जो भाजपा का है, उसमें संजय सिंह को लोग कहता है कि भाई यहाँ का प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में वह रहना चाहिए, लेकिन उस सबको दरकिनार करके केवल पॉकेट के आदमी चाहिए जो पैसा देगा, जो पैसा। ये बात तो सिर्फ आप ही कर रहे हैं, और कोई तो आरोप लगा नहीं, और जो और कौन का नहीं कर रहा है, और उनसे पूछिए आपकी नहीं कर रहा है तो बताएंगे कि भाई क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ जो सर्वे की बात है वो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है, मैं मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आपको रिपोर्ट वो दिखाऊंगा, और ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उनका सिग्नेचर किया हुआ रिपोर्ट है, मैं आप तक पहुँचाने का काज करूँगा, इसके लिए कहीं कोई चिंता करने की बातें नहीं है। चलिए हम इंतजार करेंगे कि वो सर्वे रिपोर्ट खुल करके बाहरे सामने आए, जिसका दावा संजय सिंह यानी कि जिला परिषद उपाध्यक्ष करते हैं, और साथ में अगर जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी का भी समर्थन है तो ये खेल जरूर घमासान में बदलेगा, देखना दिलचस्प भी होगा और हमारी निगाह भी बनी रहेगी। लेकिन ये अपना याद रखिएगा, तय कर लीजिएगा 30 नवम्बर को मतदान केंद्र जरूर जाइएगा। धन्यवाद।